यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग नया हाइपरओएस थीम्स के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर इस वीडियो के दौरान टॉप 5 MIUI एंड हाइपरओएस थीम के बारे में बात करने वाले हैं। सभी थीम का जो है डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके थीम स्टोर से सभी थीम को डाउनलोड करना होगा। तो वन बाय वन सभी थीम को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो है इस थीम को अप्लाई करते हैं। थीम को अप्लाई करने के बाद फोन को एक बार जरूर से रीस्टार्ट करना होगा, थीम जो है सभी प्लेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा, यहाँ पर आइकॉन के साथ चेंजेस देखने को मिल जाएगा, वेदर, गैलरी, कैलकुलेटर, रिकॉर्डर, कैलेंडर, नोट्स, फाइल मैनेजर, अपडेट, सेटिंग्स, थीम, डायलर, सभी आइकॉन के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर विजेट्स के साथ भी चेंजेस है, स्टेप काउंटर का ऑप्शन है, बैटरी परसेंटेज को ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से क्लॉक स्टाइल देखने को मिलेगा। डायलर की अगर बात करें, पर डायलर के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। डायलर का जो यूआई है कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है। इवन आइकॉन के साथ भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा डायलर के साथ। मैसेजिंग एप्लीकेशन की अगर बात करें, कुछ इस तरह से मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी यूआई देखने को मिलेगा। एंड कंट्रोल सेंटर के साथ भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर म्यूट, हॉटस्पॉट, कुछ इस तरह से आइकॉन देखने को मिलेगा कंट्रोल सेंटर के साथ। बाकी यहाँ पर सेटिंग्स मेनू के साथ भी चेंजेस है, वाईफाई आइकॉन, ब्लूटूथ आइकॉन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, साउंड, वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन, कंट्रोल सेंटर, यहाँ पर बैटरी, सभी आइकॉन के साथ जो है कम्प्लीटली रीडिजाइन यूआई देखने को मिल जाएगा। सभी आइकॉन के साथ चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पर जो स्विच स्टाइल है इसके साथ भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर पुराना वाला कंट्रोल सेंटर के साथ जो कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर बात करें पर वॉल्यूम पैनल के बारे में, तो कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल के साथ जो है यूआई देखने को मिल जाएगा। एंड लॉक स्क्रीन भी देख सकते हो, कुछ इस तरह से एनिमेशन को ऐड किया गया है लॉक स्क्रीन के साथ, काफी बढ़िया एनिमेशन देखने को मिलेगा। बाय द वे MIUI थीम का जो प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर अलग अलग MIUI थीम का जो रिव्यू वीडियो है भी चेकआउट करके देख सकते हो। नेक्स्ट ए जो थीम, इस थीम को अप्लाई करते हैं। एंड यहाँ पर ये सब जो थीम है MIUI 12, MIUI 12.5, MIUI 13, MIUI 14 एंड HyperOS के साथ जो काम कर जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इस थीम का हमने जो है अप्लाई किया है। एंड इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से UI देखने को मिलेगा। यहाँ पर विजेट्स को जो है सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, प्लस ट्रांसपेरेंट UI को ऐड किया गया है, पर डार्क मोड का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप जो है अलग अलग जो है UI को सिलेक्ट कर सकते हो, काफ़ी सही है। अलग अलग विजेट्स को ऐड किया गया है। इवन आइकॉन के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर वेदर, गैलरी, कैलकुलेटर, रिकॉर्डर, कैलेंडर, थीम, सेटिंग, सभी आइकॉन के साथ जो है जितने भी सिस्टम एप्लीकेशन है सभी के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पर डायलर के साथ भी चेंजेस है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से डायलर के साथ जो है UI देखने को मिलेगा, काफी बढ़िया है। सरस बार के साथ भी चेंजेस है, ब्लूटूथ आइकॉन, म्यूट आइकॉन एंड बैटरी बार के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा, नेटवर्क आइकॉन के साथ भी चेंजेस है, प्लस यहाँ पर कुछ इस तरह से मैसेजिंग एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। एंड वॉल्यूम पैनल के साथ कुछ इस तरह से यूआई है। वेदर विजेट्स के साथ जो है एनिमेशन को ऐड किया गया है। कंट्रोल सेंटर जो है कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है। यहाँ पर ब्लर का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, ब्लूटूथ, वाईफाई, ऑटो ब्राइटनेस, फ्लैश लाइट, म्यूट, यहाँ पर रीडिंग मोड, लॉक स्क्रीन, डार्क मोड, हॉटस्पॉट, सभी आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। प्लस डेटा यूजेस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड सेटिंग्स में भी जो कम्प्लीटली चेंज हो गया है, वाईफाई, ब्लूटूथ, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, साउंड, वाइब्रेशन, होम स्क्रीन, कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिल जाएगा। एंड सेटिंग्स में जो है कम्प्लीटली यहाँ पर रीडिजाइन हो गया है, प्लस स्विच स्टाइल के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के साथ भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। नया वाला कंट्रोल सेंटर के साथ जो कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलता है, यहाँ पर आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल जाएगा, प्लस ब्राइटनेस आइकॉन के साथ चेंजेस है, फ्लैश लाइट, म्यूट, लॉक स्क्रीन, रीडिंग मोड, डार्क मोड, बैटरी सेवर, हॉटस्पॉट, सभी आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलता है। काफी बढ़िया जो है कंट्रोल सेंटर के साथ जो है यूआई देखने को मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन की अगर बात करें, कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिलेगा। यहाँ पर डबल टैप करके आप जो है अलग अलग वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वॉलपेपर का जो फीचर से ऐड किया गया है। यहाँ पर विजेट्स का ऑप्शन है, प्लस जो डेप्थ इफेक्ट है इसे भी ऐड किया गया है इस थीम के साथ। आप जो है डेप्थ इफेक्ट को ऐड कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट क्लॉक विजेट्स का जो ऑप्शन है यहाँ पर काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया है। प्लस पर फ्लैश लाइट कैमरा का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, तो लॉक स्क्रीन शॉर्टकट का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। एनीवे
नेक्स्ट जो थीम है, नेक्स्ट थीम को सिंपली यहाँ पर अप्लाई करते हैं। एंड सभी थीम का जो है डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड थीम को अप्लाई करने के बाद जो है फोन को एक बार जरूर से रीस्टार्ट करना होगा। तो ये जो थीम है अप्लाई हो गया है। यहाँ पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से वॉलपेपर देखने को मिलता है, काफी मिनिमल यूआई है। सबसे पहले यहाँ पर सरस भर के साथ चेंजेस है, ब्लूटूथ आइकॉन, म्यूट आइकॉन, नेटवर्क आइकॉन के साथ चेंजेस है, प्लस बैटरी बार के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर डेट एंड टाइम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस आइकॉन की अगर बात करें, काफी डिफरेंट आइकॉन पैक देखने को मिलेगा, वेदर, गैलरी, कैलकुलेटर, रिकॉर्डर, कैलेंडर, नोट्स, फाइल मैनेजर, अपडेट, थीम, सेटिंग्स, या पर मैसेज, डायलर, सभी के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। एंड डायलर के साथ जो कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा। मैसेजिंग एप्लीकेशन की अगर बात करें, मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ जो है कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलता है। एंड अगर बात करें यहाँ पर जो है सेटिंग्स मेनू के बारे में, सेटिंग्स मेनू के साथ जो है कोई भी चेंजेस को हमने यहाँ पर फिलहाल नोटिस नहीं किया है। एंड स्विच स्टाइल के साथ भी कोई भी चेंजेस को हमने नोटिस नहीं किया है। एंड अगर बात करें यहाँ पर वॉल्यूम पैनल के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल के साथ जो है यूआई जो है देखने को मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन की अगर बात करें, काफी बढ़िया जो है लॉक स्क्रीन देखने को मिलेगा, काफी बढ़िया मिनिमल लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लॉक स्क्रीन यूआई के ऊपर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस जो है अवेलेबल है, इसे भी आप जो है कस्टमाइज कर सकते हो। ढेर सारी ऑप्शंस को ऐड किया गया है, विजेट्स को ऐड करने का जो फीचर्स है अवेलेबल है। तो डेफिनेटली इस सिम को ट्राई करके देखो, आपके डिवाइस के ऊपर काफी बढ़िया यूआई देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो थीम है, नेक्स्ट थीम को सिंपली यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ए जो थीम है अप्लाई हो गया है। यहाँ पर इस सिम के साथ जो कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा, यहाँ पर वेदर विजेट्स का ऑप्शन है, डेट एंड टाइम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर डबल टैप करके अलग अलग विजेट्स को सिलेक्ट कर सकते हो, वेदर विजेट्स का ऑप्शन है, काफी बढ़िया है। प्लस यहाँ पर सरस भर के साथ भी चेंजेस है, बैटरी बार, म्यूट आइकॉन, ब्लूटूथ आइकॉन के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर सभी सिस्टम एप्लीकेशन के ऊपर चेंजेस है, वेदर, गैलरी, कैलकुलेटर, रिकॉर्डर, कैलेंडर, नोट्स, सभी जो सिस्टम एप्लीकेशन है कंप्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है। यहाँ पर डायलर के साथ, मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ हमने कोई भी चेंजेस को नोटिस नहीं किया है। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा, मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ, यहाँ पर वाईफाई, जितने भी कंट्रोल सेंटर के ऊपर आइकॉन है कंप्लीटली चेंज हो गया है। फ्लैश लाइट, स्क्रीन शॉट, हॉटस्पॉट, सभी आइकॉन के साथ चेंजेस है। सेटिंग्स मेनू चेंज हो गया है, वाईफाई आइकॉन, ब्लूटूथ आइकॉन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले साउंड, वाइब्रेशन, बैटरी, नोटिफिकेशन, सभी के साथ चेंजेस है। एंड नया वाला कंट्रोल सेंटर के साथ भी आइकॉन के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा, काफी बढ़िया यूआई है। लॉक स्क्रीन की अगर बात करें, काफी बढ़िया जो है, काफी हद तक मिनिमल लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो थीम है, इस थीम को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये जो थीम है हमने अप्लाई किया है, इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा। यहाँ पर आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं, सरस भर के साथ जो है चेंजेस देखने को मिल गया है, इवन कंट्रोल सेंटर के साथ भी चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पर डायलर, मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ कोई भी चेंजेस नहीं है, सेटिंग्स मेनू के साथ भी हमने कोई भी चेंजेस को जो है नोटिस नहीं किया है। प्लस यहाँ पर यूआई 11 कंट्रोल सेंटर के साथ भी कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलता है, वॉल्यूम पैनल के साथ कुछ इस तरह से यूआई है। लॉक स्क्रीन की अगर बात करें, कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिल जाएगा। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।